हेलो दोस्तों, मेरा नाम कृष्णा है और आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर आप भी अपनी कहानी मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मेरी ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम अखिलेश है। ये एक सच्ची भूतिया कहानी है जो 4 अगस्त 1990 मेरे जन्मदिन के साथ हमारे साथ कोंकड़ में घटी थी, जब हम 3 दोस्त राजू, माधव और मैं मेरे जन्मदिन की पार्टी के लिए गांव में कोई एकांत जगह ढूंढ रहे थे जहां पार्टी करते हुए हमारे घर वाले या हमारे गांव वाले हमें पकड़े नहीं। उस दिन मेरा दोस्त माधव बोला, क्यों ना हम गांव के पुराने खंडर में पार्टी करें। तभी राजू बोला, नहीं, वहां पर पहले एक तांत्रिक पिशाच साधना और भूत प्रेत उतारने का काम करता था और एक दिन खंडर में वो रहस्यमय ढंग से अचानक से गायब हो गया और उस दिन से आज तक उसका कोई पता नहीं चला। अब उस जगह पर भूत प्रेत घूमते हैं। मैं बोला, उस घटना को तो बीते हुए बहुत साल हो गए हैं, आज सिर्फ वह एक पुराना खंडर है और भूत प्रेत की अफवाह होने की वजह से हमें वहां पर कोई ढूंढ भी नहीं पाएगा। उस वक्त मेरी बात में माधव ने भी हाँ में हाँ मिलाई और फिर हम दोनों ने राजू को भी अपने साथ मना लिया। शाम के ठीक 7 बजे हम एक बड़ी सी चार्जिंग बैटरी और शराब की बोतलें लेकर सेलिब्रेशन करने के लिए उस मांत्रिक वाले भूता खंडर पहुँच गए। तब मैं और माधव भूत प्रेत पर यकीन नहीं किया करते थे। उस शाम हुआ ये कि जब मैंने उन दोनों का ग्लास भरा तब माधव रेडियो पे धीमी आवाज में गाने सुन रहा था और राजू डर के मारे भूता खंडर में इधर उधर देख रहा था। मैंने तीनों के ग्लास फुल कर दिए। जब हम सब ने चीयर्स के लिए अपने अपने ग्लास उठाए तब हम तीनों के ग्लास खाली थे। मैं चौंक गया। वह दोनों मेरी तरफ शक की नजर से देखने लगे और कहा कि हमारे हिस्से का भी तू पी गया क्या। मैं कंफ्यूज था कि आखिर हुआ क्या है मेरे साथ। गुस्से में मैंने माधव को कहा, अब तू ग्लास भर, और राजू को कहा, तू नजर रख। उसने मेरे सामने फिर से ग्लास भरे, पर जब हमने फिर से चीयर्स के लिए ग्लास उठाए तो फिर से हम तीनों के ग्लास खाली थे। यकीन करो, हम सब डर के मारे शांत होके बैठे रहे। माधव और मेरे तो पसीने छूट गए थे और राजू का तो रोना निकल गया था। फिर हमें भी यकीन हुआ कि राजू की बात सच थी, खंडर पर सच में कोई भूत प्रेत का साया है। फिर हमने सारा सामान उठाया और खंडर से बाहर निकलने के लिए सड़क पर दौड़ लगाई। लगभग 20 मिनट तक हम इधर से उधर दौड़ते रहे पर हमें बाहर का रास्ता मिल ही नहीं रहा था। कुछ भी करके हमें उस भूता खंडर से बाहर निकलना था। हम निकल ही नहीं पा रहे थे, मानो किसी भूल भुलैया या कहो छलावे में फंस गए थे। हम बार बार चक्कर काट कर एक ही जगह पहुंच जा रहे थे। तब भागते भागते माधव को किसी ने धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। उसे धक्का खा के जमीन पर गिरता हुआ हमने भी देखा। उसी वक्त उसके हाथ में एक दारू की बोतल थी जो कि जमीन पर गिर के टूट गई और शराब जमीन पर फैल गई। तभी कुछ ही सेकंड्स के अंदर अंदर सारी शराब भाप बनकर उड़ गई, जैसे कि कोई अदृश्य काली शक्ति उसे पी गई हो। फिर राजू बोला, हमारे पास जितनी भी बोतल और चकना है सब यही छोड़ दो। हमने वैसे ही किया। फिर जाकर हम उस प्यासी आत्माओं के खंडर से बाहर निकल पाए। उस दिन पहली बार मुझे और माधव को भूत प्रेतों पर यकीन हुआ। तब से हम किसी भी पुरानी भूत प्रेत वाली जगह से दूर रहते हैं। और एक बात मेरी समझ में आई कि कितना ही साहस क्यों ना हो, इन काली शक्तियों से कभी भी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की पहली कहानी। चलिए दोस्तों, आपको अपनी दूसरी कहानी की ओर ले चलता हूँ। दूसरी कहानी मनोज कुमार की है। आगे की कहानी मनोज के शब्दों में बताता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम मनोज कुमार है और मैं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का रहने वाला हूँ। आज मैं आपको मेरे बड़े भाई दिनेश के साथ घटी एक सच्ची घटना बताना चाहता हूँ। मेरा भाई कॉमर्स कॉलेज में पढ़ता है और उसके पास ही एक छोटा सा जंगल है। उसको उसी रास्ते से कॉलेज जाना पड़ता है। रात को उस जंगल में जाना खतरे से खाली नहीं होता। कुछ दिनों पहले मेरा भाई दोस्तों के साथ बातें करते रह गया और बातें करते करते रात हो गई। जब उसने समय देखा तो रात के 10 बज गए थे। उसी जंगल से घर तक पहुंचने का एक छोटा सा रास्ता भी था। लेकिन वहां रात को कोई नहीं गुजरता था। लेकिन मेरे भाई के दोस्तों ने उसी रास्ते से जाने की सोची ताकि वो जल्दी से अपने घर पहुंच पाए। उसी रास्ते में एक शिव मंदिर पड़ता है। जब उसके बाहर से निकले तो देखा पंडित जी बाहर खड़े थे। पंडित जी ने मेरे भाई और उनके दोस्तों को रोका और बोला, बेटा तुम घर जा रहे हो तो मुझे भी साथ ले चलो, मैं काफी लेट हो चुका हूँ और रास्ते में अकेले जाने में भी डर लग रहा है। उन्होंने पंडित जी को भी अपने साथ में ले लिया। वो कुछ कदम चले ही थे कि अचानक उनको पीछे से एक सफेद रोशनी दिखाई दी और वो रोशनी एक बरगद के पेड़ के नीचे से आ रही थी। मेरे भाई ने पीछे मुड़कर देखा तो उस रोशनी की तरफ जाना शुरू कर दिया।
तो उनको एकदम से एक सफेद आदमी दिखाई दिया और उसकी आंखें भी सफेद थी। मेरे भाई बुरी तरह से डर गया, भागकर दोस्तों के पास आया और उन सभी को उस आदमी के बारे में बताया। मेरे भाई के दोस्त भी अब उस आदमी को देख पा रहे थे और वो जोर जोर से चिल्लाकर कह रहे थे, कौन है तू, कौन है तू। तभी पुजारी जी ने हमें चुप रहने को कहा। अब वो समझ चुके थे कि ये कोई बुरी आत्मा है। उनको पुजारी जी ने चलते रहने को कहा। वो आत्मा उनको देख रही थी लेकिन उनके पास नहीं आई। थोड़ी देर चलते रहने के बाद उन्होंने पीछे देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। अब सभी लोगों की सांस में सांस आई। मेरे भाई के दोस्तों ने पुजारी जी को कई बार उस भूत के बारे में पूछा लेकिन पुजारी जी ने कुछ नहीं कहा। वो सभी जंगल के बाहर आ चुके थे और पुजारी जी ने कहा कि ठीक है अब मैं घर जाता हूँ। मेरा भाई और उसके दोस्त आगे चल रहे थे। उन्होंने फिर पुजारी जी को बताने के लिए जैसे ही पीछे मुड़े तो देखा कि पुजारी जी गायब है। वो एक बार फिर से घबरा गए। वो माजरे को समझने के लिए पुजारी जी के घर पहुंच गए जहां पर पुजारी जी खाना खा रहे थे। उन्होंने उनसे पूछा कि आप अचानक से कहां गायब हो गए, तो उन्होंने कहा कि बेटा मैं तो रोज घर 8 बजे आ जाता हूँ और तुम लोग क्या बात कर रहे हो। वो सभी पुजारी से बात किए बिना डर के मारे निकल पड़े और रास्ते में उन्हें एहसास हुआ कि शायद उनको उस विपत्ति से बचाने के लिए स्वयं शिव जी आए थे जो कि पुजारी के भेष में थे। मेरा भाई और उसके दोस्त शिव जी के बहुत बड़े भक्त हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपनी तीसरी कहानी की ओर। तीसरी कहानी है राहुल की। अब आगे की कहानी राहुल के शब्दों में। मैं दिल्ली की एक फैक्ट्री में साफ सफाई का काम करता हूँ। मेरा घर फैक्ट्री से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। मेरे पास एक साइकिल है जिससे मैं अपने घर से फैक्ट्री और फैक्ट्री से घर आता जाता हूँ। एक दिन जब मैं फैक्ट्री से घर जा रहा था तो रास्ते में मुझे एक लड़की दिखाई दी। वह मुझे घूर घूर कर देख रही थी। मैं उसे टालते हुए अपने घर की ओर निकल पड़ा। दूसरे दिन फिर से वह लड़की मुझे उसी जगह पर दिखाई दी और वह मुझे फिर से घूरने लगी। मैंने उसकी तरफ पलट के देखा नहीं, अपने घर की ओर निकल पड़ा। मैं उसके पास रुका भी नहीं क्योंकि मुझे उस लड़की से डर लग रहा था। वह लड़की कई दिनों तक मुझे देखती रहती थी। एक दिन जब मैं फैक्ट्री से घर आ रहा था तो वो लड़की मुझे दिखाई नहीं दी, तो मैं सोच में पड़ गया ऐसा क्या हुआ जो वो लड़की आज दिखाई नहीं दी। फिर मैं अपने घर की तरफ निकल पड़ा। एक हफ्ते बाद मेरे घर पर एक चिट्ठी आई और मुझे पता चला कि ये चिट्ठी उसी की है। उसमें उसका नाम प्रीति लिखा हुआ था और उसमें एक फोटो भी थी जो कि उसी लड़की की थी। मैं एकाएक चौंक गया कि उस लड़की को मेरे घर का एड्रेस मालूम कैसे चला। उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि कल जब फैक्ट्री से निकलो तो जहाँ पर मैं खड़ी रहती हूँ वहाँ पर मेरा इंतजार करना। उसके दूसरे दिन मैं वहाँ पर पहुँच गया तो वह लड़की वहाँ पर नहीं थी। मैंने काफ़ी देर उसका इंतजार भी करा और अपने घर की तरफ चल दिया। तो तभी मुझे याद आया कि जो उस लड़की ने चिट्ठी भेजी थी उस पे उसका एड्रेस तो होगा ही। फिर मैं उसके एड्रेस पढ़कर उसके मुताबिक उसके घर पे पहुँच गया। दरवाजा खुलते ही एक आदमी आया और बोला कि क्या काम है। तो मैंने बोला कि मुझे प्रीति से मिलना है। तो उस आदमी ने बोला कि मैं उसका पापा हूँ और प्रीति को मरे हुए 2 महीने हो गए हैं। मेरे हाथ पांव कांपने लगे और सोच में पड़ गया कि वह लड़की जो मुझे रास्ते में मिलती थी और जिसने मुझे चिट्ठी भी भेजी थी वह कौन थी। मुझे लगा कि शायद वह कोई आत्मा होगी। तभी प्रीति के पापा ने मुझे दिखाया कि देख लो उसकी तस्वीर पर माला भी पड़ी हुई है। तभी मैं भागकर अपने घर पहुंचा और फिर मैंने उस चिट्ठी को भी जलाकर राख कर दिया और उस दिन के बाद मैंने किसी भी अनजान लोगों से मिलना और बात करना तक बंद कर दिया। अगर आपको ऐसी और हॉरर स्टोरी सुननी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।